नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिंदी साहित्य के इतिहास में। आज का जो टॉपिक है वो आधुनिक काल में आत्मकथा और जीवनी साहित्य से संबंधित है। अक्सर नेट JRF, TGT, PGT, KVS या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होती है तो आत्मकथा और जीवनी से अक्सर क्वेश्चन पूछते हैं। शुरू करने से पहले हर बार की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को दबाना ना भूले। जब भी मैं नया कोई वीडियो डालूं उसकी इन्फॉर्मेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। जी हाँ दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, जीवनी साहित्य का प्रारंभ किस युग से हुआ था? सही उत्तर होगा स भारतेंदु काल से। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र की जीवनी साहित्य से संबंधित पुस्तक कौन सी है? तो इसका सही उत्तर होगा बूंदी का राजवंश। अगला क्वेश्चन है, इनमें से काका कालेलकर द्वारा लिखित जीवनी ग्रंथ कौन सा है? सही उत्तर होगा स बापू की झांकियां। अगला क्वेश्चन है, जीवनी पुस्तक आवारा मसीहा के लेखक कौन है? सही उत्तर होगा ब विष्णु प्रभाकर। अक्सर नेट JRF में इस क्वेश्चन को पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इनमें से किस लेखक की जीवनी लिखी है? सही उत्तर होगा ए कालिदास। अगला क्वेश्चन है, प्रेमचंद द्वारा लिखी शिवरानी देवी की कृति कौन सी है? सही उत्तर होगा प्रेमचंद घर में। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, आवारा मसीहा के केंद्र में किसका जीवन चरित है? सही उत्तर होगा ए शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। अगला क्वेश्चन है, रामविलास शर्मा की किस पुस्तक को जीवनी साहित्य के अंतर्गत रखा जाता है? सही उत्तर होगा ए निराला की साहित्य साधना। अगला क्वेश्चन है, कलम का मजदूर किसकी रचना है? सही उत्तर होगा अमृतत्रोय। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर बार इसको नेट JRF में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन है, कर्नल टॉड की जीवनी किस लेखक ने लिखी थी? सही उत्तर होगा ए गौरी शंकर ओझा। अगला क्वेश्चन है, इन जीवनी ग्रंथों में से किस ग्रंथ में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखी जीवनियां संकलित नहीं है? सही उत्तर होगा विश्व कवि रविंद्रनाथ। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई का जीवन चरित किस लेखक ने लिखा है? सही उत्तर होगा कार्तिक प्रसाद खत्री। अगला क्वेश्चन है, कुल्ली भाट किसकी रचना है? सही उत्तर होगा बे निराला। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत वास्तविक नाम गुस्साई दत्त, जीवन और साहित्य पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका सही उत्तर होगा स शांति जोशी। अगला क्वेश्चन है, किस कृति से आत्मकथात्मक विधा का प्रारंभ माना जाता है? सही उत्तर होगा अर्धकथानक, ये बनारसी दास जैन की कृति है। अगला क्वेश्चन है, वियोगी हरि की आत्मकथात्मक पुस्तक का नाम क्या है? सही उत्तर होगा स। अगला क्वेश्चन होगा, इन महापुरुषों में से किसकी आत्मकथा मूलतः हिंदी में लिखी गई है? सही उत्तर होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, सेठ गोविंददास की जीवनी किस पुस्तक में निहित है? सही उत्तर होगा आत्मनिरीक्षण। अगला क्वेश्चन है, क्या भूलू क्या याद करूं में किस रचनाकार की आत्मकथा वर्णित है? तो इसका सही उत्तर होगा ब हरिवंश राय बच्चन। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्मकथा मानी जाती है और इसके चार भाग हैं। अगला क्वेश्चन है, पांडे बेचैन शर्मा उग्र के जीवन की झांकी किस पुस्तक में निहित है? सही उत्तर होगा अपनी खबर। अगला क्वेश्चन है, अर्धकथानक किसकी रचना है? सही उत्तर होगा स बनारसी दास जैन। अगला क्वेश्चन है, इन रचनाकारों में से किसने आत्मकथा नहीं लिखी थी? सही उत्तर होगा महादेवी वर्मा ने कोई आत्मकथा नहीं लिखी है। अगला क्वेश्चन है, राख की लपटें किसकी आत्मकथात्मक करती है?
तो इसका सही उत्तर होगा पुरुषोत्तम दास टंडन। अगला क्वेश्चन है, सुमित्रा नंदन पंत ने अपने जीवन के पक्षों को किस पुस्तक में उकेरा है? सही उत्तर होगा स 60 वर्ष एक रेखांकन। अगला क्वेश्चन है, मैं क्रांतिकारी कैसे बना शीर्षक से किस रचनाकार ने अपनी कहानी लिखी है? सही उत्तर होगा रामविलास शर्मा। अगला क्वेश्चन है, सिंहावलोकन में किस रचनाकार ने अपने जीवन को उद्घाटित किया है? सही उत्तर होगा यशपाल। अगला क्वेश्चन है, 10 द्वार से सोपान तक किसकी आत्मकथात्मक करती है? सही उत्तर होगा हरिवंश राय बच्चन। अगला क्वेश्चन है, राहुल शंकरत्यायन ने इनमें से किस पुस्तक में अपने जीवन की कथा लिखी है? सही उत्तर होगा बे मेरी जीवन यात्रा। मैंने आज आपको आधुनिक काल के आत्मकथा और जीवनी से संबंधित ये वीडियो जारी किया है। आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और इसी तरह के आप हिंदी साहित्य से संबंधित कोई वीडियो और प्राप्त करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय भारत।